हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटू मैक्सी क्रिकेट ब्लॉग्स। तो गाइस, आज के वीडियो में स्पेशल होने वाला है। आज ये रहेगा कि आप कवर के ऊपर सिक्स कैसे लगा सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी टेनिस प्लेयर हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है कवर के ऊपर छक्के लगाना। और मुझे बहुत सारा कॉमेंट भी आया था कि भैया कवर के ऊपर कैसे सिक्स मारे, इसका वीडियो भी बनाइए। तो बिल्कुल आपके पास ये वीडियो आ चुका है। तो गाइस, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको कवर के ऊपर छक्के लगाना है तो दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला है गाइस, आपका स्टांस, कि आपका स्टांस कैसा होना चाहिए। गाइस, आपका जो भी स्टांस होना चाहिए, स्टांस हमेशा आपका हल्का सा सीधा रहेगा, पूरा ओपन चेस्ट नहीं। इस तरह से जैसे आप लेते हैं, टेनिस प्लेयर जितने भी हैं वो इस तरह से बैटिंग करते हैं, और हमेशा यहाँ ऑफ वाली बॉल भी यहाँ लपेट के इस तरह से छक्के लगाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप इस तरह से लपेट के छक्के लगाते हो तो कवर वाला बॉल जो भी आपको आएगा, तो आप अगर आप इसको ऐसे मारोगे तो यहाँ लग के खड़ी हो जाएगी और आप आउट हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि जितने भी लेग जो लेग प्लेयर मारते हैं इस तरह से, तो गाइस उनका बॉल जब भी वो ऑप्शन पे बॉल आता है वो क्या करते हैं, वो ऑफ खेलने जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से पूरा ओपन चेस्ट खड़े हो तो आपका बैट इस तरह से जाएगा नहीं कवर में, और कवर में जाएगा नहीं तो छक्के लगेंगे नहीं। तो बिल्कुल गाइस, किस तरह से आपको स्टांस लेना चाहिए अगर आपको कवर भी छक्के लगाने हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये आपका मिडिल स्टंप है। तो गाइस हमेशा मिडिल स्टंप पे आपको पैर रखना है, और गाइस ये आपका लेग स्टंप, बिल्कुल ये लेग स्टंप। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि मिडिल स्टंप और लेग स्टंप आप इस तरह से पैर रखें गाइस। तो ना तो बिल्कुल पूरा ओपन चेस्ट रहना है आपको, और ना ही पूरा इस तरह से क्लोज रहना है, हल्का सा ओपन चेस्ट इस तरह से आपको स्टांस लेना है गाइस। अगर आप इस तरह का स्टांस लेते हैं तो हल्का ओपन चेस्ट रहेगा, तो क्या होगा ना, आपका पैर गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से आपका पैर जा सकता है कवर पे। जब भी अगर कवर पे बॉल आएगी तो अगर आप इस तरह से थोड़ा खड़े होते हैं तो क्या होगा ना, कवर पे पैर जाएगा, उसके बाद आप इजीली कवर पे सिक्स लगा सकते हो। और गाइस क्या होगा, अगर आप इस तरह से खड़े रहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं गाइस कि मेरा पैर नहीं जाएगा, और आपका देखिए ये बॉडी बन ही नहीं रहा, ये जा ही नहीं रहा है बैट। तो अगर बैट जाएगा ही नहीं तो आप क्या होगा, आउट हो जाओगे। आप इस तरह से मारने जाओगे और बॉल लगेगी और खड़ी हो जाएगी। तो आपको कवर में छक्के लगाना हो तो गाइस आप बिल्कुल इस तरह का स्टांस ले, हल्का सा ओपन चेस्ट रखना है आपको, हल्का सा। उसके बाद गाइस आपको एक पैर निकालना है, उसके बाद यहाँ से आप इस तरह से मार सकते हो गाइस, को शैडो करना है, पहले बैट शैडो करना है इस तरह से कम 50 से 100 बार आपको बैट शैडो करना है, उसके बाद आपको अंडर आर्म प्रैक्टिस करना है। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. तो गाइज कैसा लगा प्रैक्टिस, बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको इसी तरह जैसे मैंने प्रैक्टिस किया कवर के ऊपर, हमेशा आपको पैर निकालना है, क्योंकि आप हर शॉट पे आपका पैर निकलना चाहिए। अगर आप पैर निकालते हो तो आप बहुत ही बेहतरीन छक्के लगाओगे। तो गाइज इसी तरह कवर पे आप जब भी छक्के लगाओ तो बिल्कुल अपना पैर निकाले, उसके बाद छक्के लगाए। और गाइज अभी तक तो आपके भाई का सब्सक्राइबर बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल 10K कर दे जल्दी से, ताकि उसके बाद पार्टी कर सके और आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा मैं वीडियो बना सकूं। तो बिल्कुल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। तो गाइस मिलते हैं इसी तरह न्यू ट्रिक के साथ और न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।